हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का AJS स्टडी YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज के 20 सेंटेंस बताऊंगा। पहले हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद यह बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको उस सेंटेंस को किस तरह से बोलना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे पैसे एक साल में ख़त्म हो जाएंगे, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे माई मनी वुड रन आउट इन अ ईयर। समय बहुत जल्दी बीत जाता है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। उसका एक आलीशान फार्म हाउस है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे ही हैज ए सम्पटस फार्म हाउस। ये एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे दिस इज अ सम्पटस ब्रेकफास्ट। अपने परिवार का ध्यान रखो, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे टेक केयर ऑफ योर फैमिली। नियमों का पालन करो, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे अवॉइड बाय द रूल्स। आपने ये कितने अच्छे से बताया, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ इलेगेंट यू एक्सप्लेन्ड इट। यहाँ तंबाकू की खेती होती है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे टोबैको इज कल्टिवेटेड हियर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो खत्म ना हो, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे नथिंग इज इमॉर्टल। वो एक धोखेबाज व्यक्ति है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे ही इज फ्रॉडुलेंट पर्सन। आपके काम में कोई गलती नहीं है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे देयर इज नो फ्लॉ इन योर वर्क। आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे द टीयर्स वर ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज आईज। मैंने नल से पानी टपकने की आवाज़ सुनी, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई हियर द ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। तुम उसके प्यार को पैसे से नहीं तौल सकते, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे यू कांट एक्सेस हिज लव फॉर मनी। इसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे इट कांट बी एरेडिकेटेड इजली। इस मुद्दे पर आपका दृष्टिकोण क्या है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे What your approach in this matter? मैं खेलने का शौकीन हूँ, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे I am fond of playing। वो गिटार बजाने का शौकीन है, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे He is fond of playing guitar। मैंने तुरंत उसका विरोध किया, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई रिटेलिएटेड इमीडिएटली।